भारी बारिश के बीच मंगलवार को काशीमीरा में गड्ढों से भरी सड़क ने 37 वर्षीय बाइक सवार की जान ले ली। मृतक की पहचान मोहनिस अहमद इरफान खान के रूप में हुई है, जो मुंबई के सेनहेस्टर्ड रोड का रहने वाला था। दुर्घटना काशीमीरा में ठाणे गोड़बंदर रोड पर स्थित काजूपड़ा इलाके में बस स्टॉप के पास मंगलवार करीब सुबह 11 बजे हुई है, जब खान अपनी मोटरसाइकिल से मुंबरा से मुंबई जा रहा था। खान जब उस गड्ढे की तरफ से गुजर रहा था तो उसकी बाइक ने संतुलन खो दिया और वह नीचे गिर गया और पीछे से आ रही एक परिवहन एसटी बस द्वारा कुचला गया। बस ठाणे से बोरीवली जा रही थी। खून से लथपथ खान को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। काजूपड़ा में गड्ढों से भरी सड़क पर हादसों का सिलसिला जारी है। काश्मीरा पुलिस ने एसटी बस चालक के खिलाफ आईपीएस की धारा 304A और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मीरा भेंदर नगर पालिका ने जो सड़कों का हाल किया है और बराबर मरम्मत उसकी नहीं की है, वही इस मौत की जिम्मेदार है। वही दूसरी तरफ मानसून की शुरुआत के साथ हर साल कई युवा छैना नदी के आसपास तैराकी करने और पार्टी के लिए घूमने जाते हैं। नगर पालिका हर साल नागरिकों को इस क्षेत्र का दौरा न करने का निर्देश देते हैं, लेकिन युवा अभी भी मस्ती करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और वहां पर घूमने जाते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ। भेंदरपुर के 3 युवक पार्टी करने के लिए छैना नदी के किनारे गए थे। शाम होते होते बारिश तेज हो गई और नदी में पानी का जोश बढ़ने लगा। रात करीब 9 बजे मीरा भेंदर अग्रिम बल को पता चला कि 3 युवक छैना नदी में फंस गए हैं। सूचना मिलने पर दमकल कर्मियों ने रात 12 बजे मौके पर प्रवेश कर रहे 3 युवकों को बचा लिया। अग्निशामक दल के प्रमुख प्रकाश बोराड़े ने युवाओं से बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर पार्टी करने के लिए चैना नदी पर न जाने का आग्रह किया है। मीरा भेंदर वैसे विरार पुलिस के भरोसा प्रकोष्ठ से जुड़े अधिकारियों ने कुवैत में एक परिवार द्वारा कथित रूप से बंद और अमानवीय तरीके से काम करने के लिए मजबूर किए गए एक जोड़े को बचाने में मदद करके फिर से अपना नाम रोशन कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद दंपति ने भेंदर में अपने पूर्व नियोक्ता को अपनी व्यथा ट्वीट की, जिसने तुरंत मदद के लिए भरोसा प्रकोष्ठ में संपर्क किया। पुलिस के अनुसार दंपति को उनकी शुरुआती 40,000 में एक भर्ती एजेंसी के माध्यम से कुवैत में एक परिवार के लिए घरेलू नौकर के रूप में काम पर रखा गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2022 को अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ने के बाद एक बार जब वे कुवैत में अपने कार्यस्थल पहुंचे तो दंपति का जीवन एक बुरा सपना बन गया। आरोप है कि उन्हें सुबह से लेकर आधी रात तक काम कराया जाता था, उनकी आवाजाही प्रतिबंधित थी और उन्हें बाहरी लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने की अनुमति नहीं थी। महिला को दौरे भी पड़े और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिकायत मिलने के तुरंत बाद एसपी अमोल मांडवे की देखरेख में पुलिस की टीम ने कुवैत में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क स्थापित किया। चूंकि दंपति एक काम के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे थे, इसलिए वहाँ के श्रम न्यायालय में जाने की प्रक्रिया का पालन किया जाना था। एपीआई तेजश्री शिंदे ने कहा कि प्रारंभिक अनिच्छा के बाद नियोक्ता ने उनके पासपोर्ट सौंप दिए। एमबीवीवी पुलिस और दूतावास के अधिकारियों ने न केवल कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में मदद की, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि उनके हवाई टिकट बुक हो गए हैं और वे मंगलवार को सुरक्षित रूप से मुंबई पहुंच गए हैं। अपनी सीमाओं को मीरा भेंदर शहर, जिले, राज्य और देश तक सीमित नहीं रखते हुए भरोसा प्रकोष्ठ संकट में लोगों की मदद करने के लिए अतिरिक्त काम कर रहा है। सेल ने हाल ही में मध्य अफ्रीका से घरेलू हिंसा की शिकार एक 25 वर्षीय महिला को बचाने में भी मदद की थी और दुबई में फंसी एक 18 वर्षीय नौकरानी को भी वापस लाया था। शिवसेना के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, जो कि बहुमत से विधायकों के विद्रोह के साथ अपनी स्थापना के बाद शायद सबसे खराब संकट का सामना कर रही है। शिवसेना के करीब 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद, जिसने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया, पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही है। प्रक्रिया और प्रथागत अभ्यास के एक भाग के रूप में शिवसेना नेतृत्व ने अपने मुखपत्र सामना में नई समिति के लगभग 200 पदाधिकारियों की नई सूची को अंतिम रूप दिया है और प्रकाशित किया है। पूर्व नगर पालिका नगर सेवक प्रभाकर मात्रे को पार्टी का शहर प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि महिला विंग का नेतृत्व स्नेहल कलसारिया करेंगे। हालांकि एक बड़ी भूल में पार्टी के एक स्थानीय नेता, जिनका लगभग 1 साल पहले निधन हो गया था, को भी समिति में जगह मिली है, जबकि मात्रे इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी के लिए अनुपलब्ध रहे। स्थानीय शिवसैनिक इस चूंक और कुछ नियुक्तियों से नाराज हैं, जो वरिष्ठ नेताओं और नगर पालिका नगर सेवकों से परामर्श किए बिना की गई थी। 2 महीने पहले शिवसैनिकों के 2 गुटों के बीच हुए विवाद के बाद समिति भंग कर दी गई थी।
मीरा भाईंदर शहर में दो विधानसभा क्षेत्र है, जबकि शिवसेना के बागी विधायक प्रताप सरनाइक ओला माझीवाड़ा 146 का प्रतिनिधित्व करते हैं। गीता जैन जो मीरा भाईंदर में 145 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनी गई थी, जिन्होंने शिवसेना को अपना समर्थन दिया था, दोनों विधायक बागी गुट में कूद पड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि गुवाहाटी रवाना होने से एक दिन पहले गीता जैन ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद भाजपा को अपना समर्थन देने का वादा किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के संरक्षक मंत्री हैं, जिसमें मीरा भाईंदर भी शामिल है। ठाणे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शिवसेना के राजन विचारे करते हैं।